तो आज हमारे पास है ये एक हाई प्रिसीजन हाई स्पीड हाई एंड मोटर जो कि आरसी कार टॉय के अंदर यूज़ होती है और ये एक ब्रांड है। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी ब्रांडिंग और ये हॉबी ग्रेड टॉय के अंदर यूज़ होती है ना कि एक आम टॉय के अंदर। तो इस मोटर की अनबॉक्सिंग करेंगे और इससे पहले हम आपको दिखा देंगे कि हमारे पास ढेर सारी दूसरी नॉर्मल मोटर्स हैं जो कि टॉयस के अंदर से हमने निकाली हुई हैं। तो इन मोटर्स में और इसके अंदर क्या फ़र्क है ये भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स खोलते ही इसके अंदर हमें नज़र आता है ये एक हाई स्पीड मोटर जो कि इस तरीके से लॉक हुआ हुआ है। काफ़ी अच्छी पैकिंग है और यहाँ इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें मिल जाता है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। ठीक, तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोलते हैं तो सबसे पहले हमें सामने इतना बड़ा वार्निंग साइन दिख जाता है जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि इस मोटर को ऑपरेट करने पर मोटर और इसकी बैटरी हीट जनरेट करती हैं जिसकी वजह से कोई इंजरी भी हो सकती है, तो आप इससे बच के रहें। क्योंकि ये हाई स्पीड मोटर है, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड लिमिट है 80,000 RPM, 2.4 से 3 वोल्ट्स के बीच में ये काम करती है। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज इस मोटर को देना नहीं है, लेकिन हम टेस्ट तो करेंगे इसका। तो आइए निकालते हैं इस मोटर को इस बॉक्स के बाहर। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दिखने में मोटर आपको कैसी लग रही है? काफ़ी शानदार। तो इसे खोल देते हैं। अब इस मोटर को बॉक्स से हम निकाल लेते हैं और अब आप देख सकते हैं ये मोटर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है और इसके ऊपर काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ है। इतनी ऑयलिंग की क्या ज़रूरत थी भाई। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं पहले दूसरी मोटर्स के साथ। यहाँ पर मेरे पास दो और इसी तरीके की टॉय ग्रेड मोटर्स हैं। सबसे पहले ये आ जाती है बिल्कुल बेसिक मोटर जो कि आपको कोई भी आम से टॉय के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आपने काफ़ी जगहों पर ये मोटर देखी होगी। इसके बाद ये मोटर आ जाती है जो कि थोड़ी बहुत हाई क्वालिटी है, थोड़ा हाई एंड मोटर है ये भी टॉय ग्रेड। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाती है हमारी ये बेस्ट मोटर। बेस्ट किस लिहाज से है आपको अभी पता चल जाएगा वीडियो के अंदर। तो इन सब की पहले स्पीड टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी मोटर की क्या परफॉर्मेंस है और इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये भी तो हमने जानना है। तो चलें स्टार्ट करने के लिए। 3 वोल्ट की बैटरी, हम एक 18650 बैटरी इस बैटरी होल्डर के अंदर लगा के उसके अंदर हमने यहाँ पर ये टेस्टिंग हुक्स लगा दिए हैं जिसकी मदद से हमें मोटर को वायरिंग करने में आसानी होगी। तो आइए चेक करते हैं इस मोटर की स्पीड। सबसे पहले द बेसिक टॉय मोटर। तो ये है इस मोटर की स्पीड, अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी आवाज़ सुनी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मोटर नंबर 2 की आवाज़ सुन लेते हैं। मोटर नंबर 2 की आवाज़ भी सुन लेते हैं। स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, बट आई थिंक इसकी टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है। खोल कर हमें पता चलेगा इस मोटर में और पहली मोटर में क्या फ़र्क है। इसे खोलेंगे भी हम वीडियो के एंड में। तो आइए चेक करते हैं मोटर नंबर 3 जिसके ऊपर हमारा सारा फोकस है। तो टेस्ट कर लेते हैं इसे भी। वाओ, बहुत ही ज़्यादा स्पीड, आवाज़ से ही आप पता लगा सकते हैं। एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा RPM है इसके। तो अब हम इन तीनों को टेस्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोपेलर्स पड़े हैं, इन्हें लगाकर टेस्ट कर लेंगे।
तो आइए टेस्ट करते हैं प्रेशर के साथ, क्योंकि हवा का एयर एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो भी मोटर के ऊपर लोड डालेगा। सॉरी मैंने रॉन्ग पोलैरिटी लगा दी, रेड वाला इस तरफ लगाना होगा हमें ताकि फैन सामने की तरफ हवा दे। ऑलराइट, काफ़ी अच्छी हवा है। वाह, तो ये टॉय ग्रेड मोटर भी बेहतरीन हवा दे रही है। लेट्स ट्राई द सेकेंड मोटर। ओके, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं, लगता है ये इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसकी स्पीड ज़्यादा ना हो, टॉर्क ज़्यादा हो। तो अगर हमें दोनों चीज़ चाहिए, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी टॉर्क ज़्यादा है, स्पीड कम है इसकी टॉर्क कम है, और अगर दोनों चीज़ आपको एक साथ चाहिए स्पीड प्लस टॉर्क, तो ये है द मॉन्स्टर। क्लिप्स होने के बावजूद काफ़ी दिक्कत। ओके, काफ़ी बेहतरीन हवा, और ये वायर्स काफ़ी थिन है, मैं देख सकता हूँ कि ये वायर गर्म हो रहे हैं, ये मोटर और पावर मांग रही है, साफ नजर आ रहा है। तो अब हम इन मोटर्स को खोल कर देख लेते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है। तो चलिए फटाफट इन मोटर्स को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर के प्रोपेलर हटा लूं मैं। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंट जो है इसे खोलेंगे, टॉय ग्रेड मोटर को, और देखेंगे कि अंदर इसके क्या है। तो ये है इसका आर्मेचर, और इसकी वाइंडिंग आप देख सकते हैं पतले वायर से हुई है, और बेसिक वाइंडिंग है नॉर्मल, और इसका कम्यूटेटर बोलते हैं, सॉरी, वो भी बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, नंबर टू, इसके जो ब्रशेस हैं आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रशेस हैं, कॉपर के बने हुए, फ्लेक्सिबल कॉपर, जो कि हाई हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस मोटर का आरपीएम ज़्यादा कर दें स्पार्क्स होंगे और ये ब्रशेस जल जाएंगे। मैग्नेट सिंपल फेरेट मैग्नेट, और ऊपर और नीचे बुश बैरिंग, बुशिंग दी हुई है आप देख सकते हैं, नीचे तो वो भी नहीं है, प्लास्टिक है। ठीक है, मोटर नंबर वन ये हो गई आपकी। मोटर नंबर टू को ओपन कर लेते हैं फटाफट से, और देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। मोटर नंबर टू का आर्मेचर आप देख सकते हैं सिंपल है, वाइंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है मोटर नंबर वन के मुकाबले में। आप देख सकते हैं कॉइल काफ़ी ज़्यादा इसमें, और आई थिंक वायर का जो गेज है वो सिमिलर है, कॉपर वायर की थिकनेस, और कम्यूटेटर सिंपल है दोनों। ठीक है, और मेजर डिफरेंस इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ कि इसके अंदर नीचे कार्बन ब्रशिंग दी गई है। कार्बन ब्रशेस के होने से ये काफ़ी हाई स्पीड पर भी और काफ़ी हाई वोल्टेज भी बर्दाश्त कर जाएगा, और नीचे यहाँ इसमें एक प्लास्टिक का बुश भी दिया है, और नीचे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कॉपर का बुश लगा है, बुश बैरिंग। ओके, ये एक इसमें प्लास्टिक दी गई थी नीचे जो कि निकल गई मुझसे निकालने में इस तरीके से। अच्छा, ये प्लास्टिक की बुशिंग इसलिए दी गई है कि ये जो इसके स्टेटर हैं, क्या कहते हैं इसे, ये जो तीन कार्बन के पॉइंट्स हैं ये नीचे से कॉपर बुश से ना टकराएं, टकराएंगे तो वहीं शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए ये सेपरेशन के लिए प्लास्टिक दी गई है। इस वाले में कार्बन ब्रश है, इसमें सिंपल ब्रश है, इस वाले के अंदर बुश बेयरिंग है, और इसके अंदर प्लास्टिक कोई बेयरिंग नहीं। तो डिफरेंस आपने देख लिया दो मोटर्स के अंदर। ओके, मोटरों को अलग कर दें। मैग्नेट सिंपल, वही फेरेट मैग्नेट, और
ऊपर कॉपर का बुश बेयरिंग। मोटर नंबर टू आपके सामने हो गई, आइए मोटर नंबर थ्री को भी देख लेते हैं फटाफट से। ऑल राइट, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, देखें मोटर की कुर्बानी दे रहा हूं, खराब भी हो सकती है खुलने में। ऑल राइट, खोल लेते हैं, थोड़ा सा और खुलना पड़ेगा। काफी महंगी मोटर है ये। ओके, सबसे पहला डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कॉपर की वायरिंग जो है राउंड्स काफी कम है और थिकनेस काफी ज्यादा है, हाइट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है दोनों के मुकाबले में। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा है नंबर टू के मुकाबले में और नंबर वन के मुकाबले में। देखते हैं नंबर वन नंबर टू की हाइट सेम है, नंबर थ्री की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट पे, ये आप देख सकते हैं इसका कितना थिक है और इसका कितना थिन, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, डिफरेंस है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मज़ीद इसमें क्या फ़र्क है। आ जाते हैं इसके बॉटम साइड पर, बॉटम साइड पर आप देख सकते हैं इसके टंगस्टन के ब्रशेस हैं जो कि हाई हीट रेजिस्टेंट मेटल है, और नीचे इसमें बॉल बैरिंग लगा हुआ है जो कि आप यहां से देख सकते हैं वाजे तौर पर, आपको नजर आ रहा होगा बॉल बैरिंग। नीचे ओपनिंग है हवा के लिए, हवा आसानी से यहां से अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएगी। वाओ, एयर सर्कुलेशन भी इन्होंने रखी है इसके अंदर ताकि ये मोटर ठंडी रहे, काफ़ी गर्म होने वाली है ये मोटर। तो ये रही इसकी बॉल बैरिंग वाली साइड, और ऊपर की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं दिखने में ऊपर से बुश है लेकिन अंदर इसके भी बॉल बैरिंग लगा हुआ है। है ना कमाल की मोटर। और सबसे बड़ा डिफरेंस आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ, अगर नोट किया है तो कमेंट करें, अभी वीडियो को इधर ही पॉज करें, कमेंट करें। सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ, ये चीजों को मैं यहां रख देता हूं इस तरीके से। ये देखिए फेरेट मैग्नेट, फेरेट मैग्नेट, न्यूडीमियम मैग्नेट। ओह माय गॉड, इसके अंदर तो बहुत ही हाई पावर न्यूडीमियम मैग्नेट का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने, तो बनता है ना एक लाइक इस वीडियो के लिए, फटाफट से लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो ये मोटर काफी कॉस्टली आती है और न्यूडीमियम मैग्नेट भी इसके अंदर यूज किया है इन्होंने, बॉडी को भी अच्छे से पेंट किया है, ब्रांडिंग डाली है, लोगो ऊपर और नीचे, बुश बैरिंग है, फिर इसके अंदर टंगस्टन कार्बाइड के ब्रशेस हैं, इसके अलावा ओरिजिनल कॉपर की वाइंडिंग है इसके अंदर, थिक वायर है काफ़ी, स्टेटर भी इसका, ये जो कम्यूटर है स्टेटर है, और इसका जो सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हैं नॉर्मल मोटर के मुकाबले में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। DIY तैसीर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें।